हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 6। अभी तक हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, जो आज का लेक्चर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे अर्थ मूवमेंट के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी है, इसकी ऊपरी सतह ना एक गतिमान है, हमेशा धीमी गति से संचलन करती रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो जिस पर हम रहते हैं, जो हमारी भारतीय प्लेट है ना, ये भी हल्की गति से गतिमान है और इसका अभिसरण जो एशियाई प्लेट है उससे हो रहा है। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा उत्तर में जो आपको हिमालय रेंज देखने को मिलेगी ना, इसका निर्माण इसीलिए हुआ है, इसी अर्थ मूवमेंट के कारण आपको पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। जैसे कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं आपको अपशिष्ट पर्वत, कहीं पर आपको पठार देखने को मिलेगा, कहीं आपको इस तरह से आपको नदी घाटी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलेगा। ये किस कारण होता है? इस अर्थ मूवमेंट के कारण ही होता है। इसके कारण हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और हमारी जो पृथ्वी की सतह है, इसीलिए वो समतल ना होकर के उसमें बहुत ज्यादा उच्चावच विविधता पाई जाती है। वो किस कारण होती है? इसी कारण होती है। देखिए, जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम लोग देखेंगे ना जियोमॉर्फोलॉजी, जो आप देखेंगे ना पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है ना इस पीपीटी के अंदर ही कवर्ड है। आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का कोई भी टॉपिक उठा के देख लिया, अगर इससे बियॉन्ड हो तो आप क्या देना। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सब कुछ इसमें आ जाएगा, चाहे वो नदियां हो, नदी घाटी हो, आई आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपको जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक मिलता है ना, वो इसके अंदर ही कवर्ड होगा। जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी के सारे लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसी पीपीटी के इस पीपीटी के से कनेक्ट करके बताऊंगा कि ये देखिए कहाँ से। इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी होता है, कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कनेक्ट करके नहीं देखते, मतलब ऐसे आप सभी टॉपिक को क्या करते हैं ना, अलग अलग करके पढ़ते हैं। कभी सारे टॉपिक को एक साथ मर्ज करके उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए ना, तो आपका आउटपुट हमेशा बढ़ जाएगा। यही मैं आपको सिखाता हूँ इंटरलिंकिंग क्या होता है, किस तरह से आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करना है। अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको ये बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं पीटी के जब आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे, जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो यही सबको समझना है। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे जो फॉर्म है वो आ गए हैं। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आप हिंदी मीडियम वाले आप लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो एडमिशन फॉर्म है उसको शेयर करिए, जिससे आपकी संख्या बढ़ती जाए। अभी मैंने देखा है 3 दिन में जो एडमिशन फॉर्म है, मैक्सिमम 76% जो फॉर्म है ना वो इंग्लिश मीडियम के आए हैं। तो मुझे जान के हैरानी हुई, लेकिन एक खुशखबरी है इंग्लिश मीडियम वालों को भी कि अभी तक हमारे ग्रुप में इंग्लिश मीडियम वालों को एक डिफिकल्टी आ रही थी कि उनको नोट्स नहीं मिल पा रहे थे इंग्लिश में। तो मैं आप लोगों का अभी एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों के, तो आपस में आप लोग जैसे कोई द हिंदू का बना ले, या फिर कोई जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो मिल करके आप लोग नोट्स बना लीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करिए, अपने कम्युनिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। ओके, चलिए हम लोग। और वैसे मैंने हिंदी मीडियम के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का यहाँ पर वर्चस्व होता जा रहा है। देखिए, सभी के फॉर्म है लगभग में आते जा रहे हैं और सभी के एडमिट कार्ड बन गए, आप लोगों को मिल गए होंगे, मैंने टेलीग्राम पर इस तरह से सेंड कर दिए। जिन लोगों को नहीं मिले वो लोग कमेंट करते हैं, जिन लोगों ने एडमिशन फॉर्म भरा है उन्हीं के एडमिट कार्ड बने। ओके, अब जिसने एडमिशन फॉर्म नहीं फिल किया है वो मैसेज मत करिए। अब एडमिशन फॉर्म कैसे मिलेगा, नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें क्या है ना, अभी मैंने आपको एक अनाउंसमेंट किया था, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, जो मैंने कहा था ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 100 मेंबर के लिए, तो 100 मेंबर है ना उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई, अब 100 मेंबर के लिए नहीं है, 500 मेंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग मुझे मैसेज मत करिए। ओके, तो 500 मेंबर तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आराम से आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ये टेंशन मत लीजिए। 100 मेंबर अब पूरे हो गए हैं तो सर अब हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फिर कितना चढ़ जाएगा। ओके, तो 500 मेंबर तक अभी फ्री है। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी देखिए टेस्ट है, टेस्ट हो रहे हैं, तो टेस्ट वाली वीडियो जाकर के सभी लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। टेस्ट हो रहा है, आप लोग अपेयर हुई है, और टेस्ट इतने सारे लोग टेस्ट देते हैं, लेकिन ओएमएट सीट एक ही दो लोग सेंड करते। आप लोग सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए हैं, सर देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे ग्रुप में तो क्या सोचेंगे। अरे कुछ भी सोचें, आप लोग इस पर बिल्कुल मतलब टेंशन ना लीजिए। अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही होता है
और 99 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगला टेस्ट होगा ना उसमें इंप्रूव करेंगे ना, एक से दो क्वेश्चन आपका सही होगा ना, तो ऐसा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग लगे रहिए, जो आपको टास्क देते हैं वो कवर करिए, जो टेस्ट हो रहा है उसको कवर करिए। तो इस तरह से जो रियल टेस्ट होते हैं इसमें सभी लोग अपेयर हुई है। देखिए डेली एक दिन को छोड़ के टेस्ट होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए, मैं हफ्ते में सिर्फ दो टेस्ट रख देता हूँ ना, कि आप लोग अगर अभी लगभग में 3 से 4 टेस्ट हो जाते हैं तो आप 4 टेस्ट अपेयर नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं आपको, तो बता दीजिए मैं आपको 2 टेस्ट एक वीक में देने लगूंगा। तो बल्टन है तो बताइए, जो भी समस्या आप लोग बताइए, लेकिन परेशान मत होइए। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज चल रही है। इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे आप लोग जानते होंगे बर्ड ज्योग्राफी के नाम से, जिसको हिंदी में विश्व का भूगोल बोलते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी को हिंदी में भौतिक भूगोल बोलते हैं। ओके इसको देख रहे हैं, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में, जो हमारा टॉपिक चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ओके इसी के अंदर हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट के अंदर ही पूरा जियोमॉर्फोलॉजी एक तरह से समाहित है। एक एक टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का आपको इसी टॉपिक में देखने को मिलेगा अर्थ मूवमेंट में। चलिए हम लोग आते हैं अर्थ मूवमेंट के ऊपर। ओके थोड़ा गर्मी भी हो गई है, चलिए मैं इसको कवर करता हूँ, वो सारी क्लियर करता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ मूवमेंट, इसका हिंदी में मतलब होता है संचलन। ओके हम लोग संचलन देखने जा रहे हैं, पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो देखने जा रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। इसी मूवमेंट के कारण प्रभाव होता है कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो प्रभाव क्या है, इसी मूवमेंट के कारण क्या प्रभाव पड़ा, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। इसीलिए आपको कहीं पर देखने को मिलेगा मैदान, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर आपको पठार, कहीं पर पर्वत, कहीं पर झीले, कहीं पर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, कहीं आपको एस्युरी देखने को मिलेगा, कहीं आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे। तो किस लिए होता है ये, अर्थ मूवमेंट के कारण ही होता है। आप देखिए कोई भी मूवमेंट हुआ, कोई भी कार्य हुआ, उसको करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो ये मूवमेंट है भाई, ये इसको भी करने के लिए कोई बल की आवश्यकता होगी ना, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण क्या है, फोर्स मतलब बल। अब ये बल कहाँ से लगेगा, जो हमारी ये पृथ्वी है इस तरह से, ओके ये हमारी पृथ्वी है, इसको मान लीजिए पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर कहां से बल लग सकता है, या तो पृथ्वी की अंदर की परतों से लगेगा, या फिर पृथ्वी के बाहर से इसमें कोई बल लग सकता है। तो जो अंदर से लगेगा उसे हम बोल देंगे एंडोजेनिक फोर्स, जो बाहरी परतों से लगेगा उसे हम बोल देंगे एक्सोजेनिक फोर्स। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में पूरा कवर कराऊंगा। ओके तो ये देखिए कोई भी मूवमेंट होता है उसके लिए कोई कारण होता है, कारण क्या होता है, बल। बल के बिना कोई कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, आप लोग साइंस थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। तो ये बल कहाँ से लगता है, या तो आंतरिक परतों से लग सकता है पृथ्वी की, या फिर पृथ्वी की जो बाहरी परतें हैं उनसे लग सकता है। जो आंतरिक परतों से जो बल लगेगा उसे हम एंडोजेनिक फोर्स बोल देंगे, ओके आंतरिक बल बोल देंगे, या फिर जो बाहर से लगेगा उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोल देंगे, मतलब बाह्य फोर्स बोल देंगे। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तीव्रता के आधार पर, मतलब जो अंदर से बल लग रहा है ना, पृथ्वी के अंदर से बल लग रहा है ना, इसको तीव्रता के आधार पर, मतलब कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ लग रहा है उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम देख लेते हैं। तो एक तो है जो बहुत ही धीमी गति से लगेगा, मतलब कम तीव्रता वाला जो संचलन होगा, और दूसरा एकदम जो अचानक से होता है, सडन होता है, ओके अधिक तीव्रता वाला एक होगा, ओके अधिक तीव्रता वाला संचलन होगा। तो पृथ्वी के अंदर दो तरह से बल लग रहे होंगे, एक बहुत धीमी गति से लगातार लगता रहता होगा, एक कभी कभार अचानक से लगता होगा। तो इसीलिए हमने आंतरिक फोर्स है ना, मतलब एंडोजेनिक फोर्स है, उसको हमने दो भागों में बांट लिया, तो कम तीव्रता वाला संचलन और अधिक तीव्रता वाला संचलन। जो कम तीव्रता वाला संचलन होता है इसी को हम लोग पटल विरूपण के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पटल विरूपण के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ गए पटल विरूपण कैसे कहते हैं। और अधिक तीव्रता वाला जो बल है इसको हम लोग आकस्मिक बल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सडन मूवमेंट बोलते हैं। सडन मतलब अचानक से कुछ हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भूकंप, ओके जैसे भूकंप होता है ना अचानक से आ जाता है ना, जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता है अचानक से, ज्वालामुखी फट गई तो एकदम बहुत ज्यादा भयानक हो जाते हैं, मतलब लावा उबा हो जाते हैं। तो ये कैसे फोर्स है, ये सडन है, मतलब अचानक से हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब आ जाता है। लेकिन जो पटल विरूपण है ये निरंतर चलता रहता है, धीमी गति से सतत प्रक्रिया होती है, ये हर समय चलती रहती है। इसको हम तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर एक इसमें आपको देखने को मिलेगा आपको विवर्तनिक संचलन, आपको देखने को मिलेगा विवर्तनिक संचलन, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं।
दूसरा समस्थैतिक संचलन होता है, तीसरा होता है सुस्थैतिक संचलन होता है। जो समस्थैतिक संचलन होता है इसको आइसोस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं और यूस्टेटिक जिसको सुस्थैतिक बोलते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में वन बाई वन बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा टॉपिक है। प्लेट विवर्तनिकी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जियो मॉर्फोलॉजी का अकेले ये बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। और टेक्टोनिक मूवमेंट होता है इसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं दिशा के आधार पर। देखिए जो आराम से एक हल्की गति से संचलन लग रहा है इसमें एक हमने बांटा विवर्तनिकी संचलन। और विवर्तनिकी संचलन होता है ना ये दो दिशा के आधार पर दो रूपों में हो सकता है, या तो भैया ऊर्ध्वाधर होगा मतलब ऊपर नीचे होगा, या फिर हो सकता है क्षैतिज मतलब इधर उधर हो सकता है दाएं बाएं ओके किधर भी रूप में हो सकता है। तो एक हो गया ऊर्ध्वाधर, दूसरा हो गया क्षैतिज। ओके इस तरह से या तो क्षैतिज लगेगा या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से लगेगा। ओके तो हमने दो भागों में बांट लिया, एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर होता है इसको महादेश जनक संचलन बोलते हैं। ओके और जो दूसरा होता है जो क्षैतिज रूप से लगता है ना उसको हम पर्वत निर्माणकारी संचलन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पर्वत निर्माणकारी की बात करें ये क्षैतिज होता है। जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये एक्स प्लेट मान लीजिए, एक प्लेट ये है, आपस में आकर के अभिसरण की, जब अभिसरण करेंगी ना तो दोनों जब अभिसरण करेंगे जब इनमें टकराव होगा तो टकराएंगे तो ये क्या होगा, एक प्लेट होगी ना इस तरह से ऊपर चढ़ जाएगी ना, जब ऊपर चढ़ जाएगी तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो एक प्लेट है उसमें इस तरह से बलन की प्रक्रिया हो जाएगी। यही बलन की प्रक्रिया के कारण पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे जो भारत के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, अभिसरण के कारण हुआ है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके इनको। तो नंबर एक ऊर्ध्वाधर संचलन, ऊर्ध्वाधर संचलन को क्या बोलते हैं, महादेश जनक, यहाँ पर जनक होगा तनक लिख के। ओके गूगल वॉइस टाइपिंग का मैं उपयोग करता हूँ। तो महादेश जनक संचलन होगा। अब इस ये होता है ये दो रूपों में हो सकता है, एक हो सकता है या तो उत्थान हो सकता है, मतलब ऊर्ध्वाधर होगा ना ऊपर नीचे होगा तो कैसे होगा, एक तो ऊपर जा सकता है या फिर एक नीचे आ सकता है। जो ऊपर जाएगा तो उसमें उत्थान होगा जिसको इंग्लिश में अपलिफ्टिंग बोल देंगे। अपलिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं ना कि लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, अप जा रहे हैं ना, तो ऊपर जाएगा तो इसीलिए उसको अपलिफ्टिंग बोल दिया। नीचे जाएगा उसको सबडक्शन बोल दिया, मतलब नीचे जाएगा तो उसे सबडक्शन बोल दिया। अब हम आते हैं इधर वाले पर, मतलब जो क्षैतिज है, क्षैतिज होगा इसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ये दो रूपों में हो सकता है, इसको पर्वत निर्माणकारी संचलन भी बोलते हैं। नंबर एक संपीडन, संपीडन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। संपीडन का मतलब होता है जैसे दो प्लेटें हैं ना आपस में आएंगी, आपस में आकर के जब मिलेंगी तो इनमें से एक प्लेट होगी ना उसमें फोल्ड पड़ने लगेंगे, मतलब वो घुमावदार होकर के ऊपर उठ जाएगी। जैसे एक जैसे ए प्लेट है और ए प्लेट है, ओके इन दोनों में अभिसरण हुआ तो अभिसरण होकर के एक प्लेट होगी ना तो इस तरह से ऊपर चढ़ने लगेगी। तो जो ऊपर इस तरह से हो जाएगा ना इसी को पर्वत बोलते हैं। ओके तो मैंने आपको बताया था पर्वत, तो इस तरह हमारे हिमालय आपको रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत देखने को मिलेंगे, इन सभी का निर्माण इसी तरह से हुआ है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताऊंगा तो बताऊंगा प्लेटें अभिसरण कर सकती हैं लेकिन अभिसरण भी कई तरह से कर सकती हैं। जैसे एक प्लेट है महाद्वीप, दूसरी प्लेट है वो भी महाद्वीप है, ओके तो महाद्वीपीय प्लेट है वो भी अभिसरण करेगी। जब ये दोनों अभिसरण करेंगे तब कौन सी कंडीशन बनेगी, और महासागरीय प्लेट है वो आपस में अभिसरण करेंगी तब किस तरह की कंडीशन बनेगी, या तीसरी कंडीशन हो सकती है एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट है ये आपस में अभिसरण करेंगी तो किस तरह की कंडीशन बन सकती है। ओके तो ये टॉपिक बहुत ही ह्यूज है लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके और आपने देख लिया ना संपीडन बल के कारण, तो संपीडन बल के कारण जिस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है उसको फोल्डेड माउंटेन के नाम से आप लोग जानते होंगे। ओके और यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं तनाव मूलक बल, भैया डाइवर्जेंट मतलब तनाव मूलक बल का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों है ना आपस में दूर जा रही है, दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, जब दूर जाएंगी ना तो इनमें तनाव मूलक बल लग रहा है, मतलब ये आपस में टूट जाएंगे ना, वो एक परत है वो बीच से टूट जाएगी ना, तो इससे क्या होगा ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कटकों का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे आपको देखने को मिलेगा, समुद्र की सतह होती है ना उसके लगभग में बीच में आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा कटक, बहुत लंबी श्रृंखला होती है कटक के रूप में दिखाई देती है। ये तनाव मूलक बल के कारण होता है, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब कटकों का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको ज्वालामुखी पर्वत छोटे छोटे बहुत सारे देखने को मिलेंगे।
ओके, तो तनाव मूलक बल के कारण भी पर्वतों का निर्माण होता है। और तीसरे प्रकार का संचलन भी होता है जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। तीसरे प्रकार का संचलन होता है ना कि ना ही वो आपस में आकर के भिड़ रही है, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही है, बल्कि रूपांतरित टाइप का हो सकता है। मतलब एक प्लेट ऐसे जा रही है, दूसरी प्लेट इसी के बगल में इस तरह से खिसकते हुए जा रही है, इसको रूपांतरित प्लेट बोलते हैं। मतलब ये दोनों है ना, एक दूसरे ना ही भिड़ रही है ना ही मतलब दूर जा रही है, बल्कि एक दूसरे से इस तरह से समानांतर है, समानांतर और विपरीत दिशा में एक दूसरे की गति कर रही है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको रूपांतरित, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ उसका नाम, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, तो इस कारण क्या होता है, ना ही कोई पर्वत का निर्माण होता है, ना ही कोई पठार का निर्माण होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, भूकंप भूकंप आते हैं, आपको छोटे मोटे देखने को मिलेगा यहाँ पर काफी, क्योंकि ये आपस में घर्षण होता है ना, घर्षण के कारण ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा मैंने बताई थी जब निकलती है और वो स्थानांतरित करती है एक वेव के रूप में, तो इससे भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो ओके, और यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना, इससे आपको ज्वालामुखी बेल्ट, इसी से आपका जो भूकंप बेल्ट है ना वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सेक्शन है जो कवर करेगा, इसी से आपका पर्वत है वो भी कवर हो जाएगा। अब आखिर ये जो पटल विरूपण है, जो विवर्तनी की संचलन है, आखिर ये हुआ क्यों? ओके, आप कहेंगे कि मतलब इतनी बड़ी प्लेट है, जैसे भारतीय प्लेट इतनी बड़ी है, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अमेरिका इतना बड़ा है, ओके, तो इनमें संचलन आखिर कैसे हो रहा है? ओके, इतनी बड़ी प्लेट को खिसकाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी ना, फोर्स की, जो मैंने आपको बताया था, किसी भी संचलन के लिए, किसी भी कार्य के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कितने ज्यादा बल की आवश्यकता होगी ना, तो इसमें जब हम देखेंगे ना, जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, इसी तरह आपको देखने को मिलेगा सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत दिया गया, तो बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, तो इन तीनों का कंपाइलेशन मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो चुंबक से रिलेटेड एक सिद्धांत था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इन सभी को मिलाकर के एक थ्योरी दी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये संचलन होता है इसके कारण होते हैं। कारण कौन कौन सा होता है, नंबर एक कन्वेंशन करंट। कन्वेंशन करंट का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी जो जो तरंगे होती है ना, एक पीटी के रूप में चलती रहती है। मतलब इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, इस तरह से कन्वेंशन करंट है ना, ये दौड़ रहा है, ये इसके दौड़ने से भी एक बल लग रहा है ना, क्योंकि एक तरह से पेटी का निर्माण हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर इस तरह से ये जो तरंगे हैं, करंट है, ये दौड़ रहा है। ओके, तो इस तरह से एक पेटी का निर्माण हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पुश करता है जो अर्थ मूवमेंट को। और दूसरा होता है आप देख सकते हैं राइट पुश। राइट मतलब इसका मतलब होता है कटक, कटक होते हैं ना, कटक जब कटकों का निर्माण होता है ना, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, तो वो एक तरह से पुश कर रहे हैं। जैसे आप लोग गेट को पुश नहीं करते, इसी तरह से जब ये देखिए यहाँ पर नई परत का निर्माण हो रहा है, दूसरी वाली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन थी ये, दूसरी कंडीशन, तो ये देखिए यहाँ पर नए परत का निर्माण हो रहा है, तो ये देखिए एक दूसरे से दूर जा रही है ना, मतलब पुश कर रही है, ओके, धक्का दे रही है। इसी तरह तीसरा, ये दो मिल गया, दो बल मिल गए ना, अब तीसरा बल भी मिलेगा यहाँ पर। तीसरा बल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं अपना कैमरा हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, जैसे ये दो प्लेटें हैं ना, जहां पर इसका अभिसरण हो रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों प्लेटों का आपस में अभिसरण हो रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे ये अभिसरण होता है ना, तो ये क्या करती है, आपस में इसको इस तरह से खींचती है। देखिए यहाँ पर ये आपस में एक तरह से खींचती है, तो इन तीनों को जब ये तीनों बल आपस में मिलते हैं, तब ये तीनों आपस में बल मिलके एक बड़ा सा स्ट्रांग जो बल है, फोर्स है, वो क्रिएट करते हैं, जिसके कारण एक बड़ी से बड़ी जो प्लेटें हैं उनमें हल्की गति से संचलन होता रहता है। तो आप लोग समझ गए ना कि अगर पूछा जाए जो विवर्तनिकी संचलन है वो किन कारणों से होता है, तो इस तरह से केवल कन्वेंशन करंट के द्वारा, केवल राइट पुश के द्वारा, केवल जो स्लैब पुश है ना, पुल है ना, उसके द्वारा, तो केवल नहीं, बल्कि इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों का जब सम्मिलित प्रभाव होगा तभी प्लेटों में संचलन होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वो है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं ना, तो इस तरह की संरचना का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, नीचे यहाँ पर इस तरह से जो करंट है वो दौड़ रहा होगा। ओके, तो इससे एक पेटी का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, दो महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट है, इनका आपस में अभिसरण हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए लंबा लंबा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटकों का निर्माण हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। इधर आप देख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण हुआ है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भूकंप भूकंप भी आते रहते हैं। तो इस तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है जब ये संचलन होता है।
इसी तरह हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं इसको इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। देखिए अब हमने प्लेट विवर्तनिकी की देख लिया ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी कल वाला जो हमारा टॉपिक होगा ना वो प्लेट विवर्तनिकी की होगा, प्लेट टेक्टोनिक है, थ्योरी है, हम उसी को कवर करेंगे। और दूसरा देखते हैं समस्थैतिक और सुस्थैतिक संचलन क्या होता है। समस्थैतिक और सुस्थैतिक संचलन होता है दोनों ये कंडीशन होती है इक्वलाइजेशन की, मतलब एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करती हैं, इसी अवस्था को समस्थैतिक और सुस्थैतिक कहते हैं। देखिए अगर स्थल पर इस प्रकार की क्रिया होती है तब हम उसे समस्थैतिक बोल देंगे, लेकिन अगर महासागरों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया हो, संतुलन की अवस्था में जो चट्टाने ना वो संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करे, तब हम उसे सुस्थैतिक संचलन बोल देते हैं। ओके अब देखिए ये कैसे होता है और ये क्यों होता है। जैसे मानते हैं एक चट्टान है, मतलब एक पर्वत ही ले लेते हैं। ओके एक पर्वत ले लेते हैं, कोई भी संरचना जितनी ज्यादा ऊंची होगी ना वो उतनी नीचे तक, मतलब उतनी गहराई तक वो अंदर धंसी हुई होगी। ओके उतनी अंदर तक वो नीचे धंसी हुई होगी। आप लोग जानते हैं जैसे आप लोग एग्जाम्पल के लिए जैसे एक छोटा सा डंडा है वो जमीन में गाड़ के देखिए, तो आप वो थोड़ी कम गहराई तक ऐसे गाड़ेंगे ना तो भी वो आराम से रुक जाएगा, लेकिन आप एक बहुत लंबा एक बांस ले लीजिए उसको जमीन में उतना ही गाड़ते जितने आपने छोटी सी पेंसिल को रुका था, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो गिर जाएगा, बल्कि उसको ज्यादा अंदर तक डालना पड़ेगा ना। तो इसी तरह जो जितनी ऊंची संरचना होगी ना, जैसे बिल्डिंग होती है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी नींव उतनी ज्यादा गहरी डाली जाती है ना, तो इसी तरह आप लोग समझ लीजिए, इसी तरह जो पर्वत होगा ना जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ही गहराई तक आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी गहराई अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा होगी। तो क्या होता है, मानते हैं ये पर्वत था, ये अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा एक समय ऐसा आया ना कि ऊपर से कटने लगा। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये ऊपर से इतना मानते हैं कट गया, मतलब घिस गया, मतलब हो गया अपरदन होकर के इतना टूट फूट गया, इतना चला गया। अब क्या हुआ, इसका वेट कम हो गया ना, इसका वेट कम होने के कारण क्या होगा, अब ये थोड़ा कम गहराई में आ जाएगा ना, मतलब जब ये बहुत बड़ा था इसका वेट ज्यादा था ना तो ये ज्यादा गहराई तक था, लेकिन अब तो ये अपरदन की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, इसका भार कम हो गया ना, इसका भार क्या हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया तो ज्यादा गहराई तक नहीं रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करेगा और थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह कोई पर्वत है, आप दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं। ओके दूसरा पर्वत इस तरह से है। ओके अब क्या हुआ ना, इसके ऊपर भार बढ़ गया, किसी कारण इसके ऊपर भार बढ़ गया, और मानते हैं पहले, सॉरी ये पहले यहाँ पर इतनी गहराई पे था। ओके अब इस पर भार बढ़ गया, मानते हैं बहुत सारी बर्फ की चादरें यहाँ पर आ गई या फिर बहुत सारा मलबा यहाँ पर आकर के डंप हो गया, तो इस कारण क्या हो जाएगा, इसका भार बढ़ जाएगा ना। अब इसका भार है, सॉरी भार है इसका बढ़ गया, भार बढ़ने के कारण क्या होगा, आप देखेंगे कि ये कम गहराई में था लेकिन भार बढ़ने के कारण ये संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करेगा और थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, थोड़ी सी गहराई में नीचे चला जाएगा। ओके तो यही किस तरह की अवस्था हुई ना, कि एक संतुलन की अवस्था हुई, जैसे भार बढ़ रहा है तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है, ओके और भार कम हो रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये जो ऊपर नीचे चट्टाने जा रही हैं इसी को बोलते हैं संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करती हैं, इसी को बोलते हैं समस्थैतिक और सुस्थैतिक। समस्थैतिक क्या है, जो जो स्थल के ऊपर हो रहा है और जो समुद्र के अंदर होगा वो उसको बोल देंगे हम सुस्थैतिक। तो सुस्थैतिक और समस्थैतिक एक ही है, बस फर्क इतना ही है, एक स्थल के ऊपर हो रहा है, एक समुद्र के अंदर हो रहे हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट की इधर आते हैं और देखते हैं जो अधिक तीव्रता वाला संचलन, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, एक क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं अधिक तीव्रता वाला संचलन, मैंने इसमें अभी आपको बता दिया था कि अधिक तीव्रता वाला मतलब इसको सडन संचलन बोलते हैं, इसमें जैसे कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तो जो अचानक से चीजें हो जाती है ना तो उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ओके तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तो जैसे भूकंप भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। अब हम लोग आके आते हैं इसमें देखते हैं जो बाहर से आखिर जो लगेगा, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जो बाहर से आकर के जो एक बल लगता है ना उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और इसी के अंदर आता है अनाच्छादन मतलब डेनुडेशन। डेनुडेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसके अंदर अपरदन से लेकर के निक्षेपण तक की सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, इसी में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नंबर 1 बैदरिंग,
वेदरिंग को शामिल किया गया। वेदरिंग का कारण क्या है? मौसम में परिवर्तन, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं बारिश होती है बारिश के कारण, या फिर कहीं पर जैसे हीम होता है हीम के कारण, इसके कारण अगर अपरदन होता है तो उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। ओके, और जो तीसरा है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इरोजन। इरोजन इरोजन होता है वो किस कारण होता है? कारकों के द्वारा होता है। जैसे डायरेक्ट वर्षा हो रही है ना, तो डायरेक्ट वर्षा अगर इसका अपरदन कर रही है, ओके, वो अपने साथ जो क्या कहते हैं चट्टाने उनको तोड़ फोड़ रही है, अपने साथ ले जा रही, तब हम उसको इरोजन बोलेंगे। ओके, इसी तरह मास वेस्टिंग होता है। मास वेस्टिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े अमाउंट में, जब बहुत बड़े अमाउंट में मलबा होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तब हम उसे मास वेस्टिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने लैंडस्लाइड देखा होगा, मैंने यहाँ पर पिक लगाना मैं भूल गया, वरना आप लोगों को दिखाता, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही बड़े हैं। मैं इसको कम से कम 3-4 लेक्चर में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको सभी तरह की स्थलाकृतियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि छत्रक शिलाएं क्या होती हैं, गोकुर झीलें क्या होती हैं, इसी तरह आपको इस कास्ट स्थलाकृतियां होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, बहुत सारे तरह के अपरदन होते हैं, वेदरिंग होती है, ओके, जैसे थर्मल वेदरिंग क्या होती है, इसी तरह आप देखेंगे केमिकल वेदरिंग क्या होती है, तो इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही डीप में हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक है ना, ये काफी लगभग में जियोमॉर्फोलॉजी हम 10 से 11 लेक्चर में कवर करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा प्लेट विवर्तन की, इसको हम कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे, हम सागर नीतल प्रसरण देखेंगे, फिर उसके बाद जो अगला होगा हम उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे, फिर हम लोग समस्थैतिक सुस्थैतिक देखेंगे। इसी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी, जैसे कि आपको जो हॉर्स पर्वत है, बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है, वो कई सारे पर्वत हैं, वो इनका निर्माण इस कारण भी होता है क्योंकि कुछ चट्टानें ऊपर नीचे जाती हैं, खिसक जाती हैं, इस कारण भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम ज्वालामुखी और जो भूकंप है उसको कवर करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे जिसमें हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। कल से सभी लोग जल्दी टाइम पर आ जाइए, आपको टाइम पर वीडियो मिलेंगी, और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मेरा वीडियो को इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप सारे टॉपिक को आप समराइज कर पाए, आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर पाए। ओके, ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक अलग पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक अलग पढ़ रहे हैं, बल्कि सभी टॉपिक को आप इंटरलिंक करके पढ़ पाए। तो जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो एक बार पहले मैं इसको दिखाया करूंगा, फिर मैं बताया करूंगा देखिए इससे टॉपिक निकल के आया, तो क्या होगा आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। ओके, तो हम लोग लगभग में 10 से 11 जो लेक्चर होंगे उसमें मैं जियोमॉर्फोलॉजी को टोटल कवर कर दूंगा, और इसमें पीटी और मेंस दोनों को कवर करेंगे। अगर मैं पीटी के लिए कवर करूं तो 5 लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन मैं मेंस को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, इसीलिए 5 लेक्चर और बढ़ जाएंगे। तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आपके सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन आप लोग टाइम पर आइए और पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है, तो ज्यादा मेरी वीडियो है वो ज्यादा लोगों के पास इंप्रेशन नहीं जाता है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने की। ओके, और कल टेस्ट है तो सभी लोग अपेयर रहिए टेस्ट में भी, तो टेस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, क्लब आई असेसमेंट, उस पे जाने के बाद आपको दिख जाएंगी बहुत सारी सीरीज, वहां पर एक टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, उसमें 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं, 3-4 वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो प्रोग्राम चल रहा है। आई कार्ड वाली देखनी है तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।